हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, ये कुछ भी जरूरी नहीं है कि हमारी जो रेसिपी है जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जितनी मुश्किल होगी, उतनी ही यमी बनेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मजा तो तब है बहुत यमी रेसिपी हो, न्यू हो और उसके साथ साथ इजी भी बहुत हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब जामुन पुडिंग बनाने की रेसिपी। इतनी मजेदार और न्यू रेसिपी है जिसमें बॉयल आ रहा है। इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। चीनी आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4 छोटे चम्मच मैंने, आधा किलो दूध है, 5। थोड़े से दूध में हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर भी आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये इस पुडिंग में जो हम कस्टर्ड बनाएंगे वो हम थोड़ा ज़्यादा थिक बनाएंगे, तो मैं इसमें 3 चम्मच अभी ऐड कर रही हूँ ये वनीला कस्टर्ड पाउडर का। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब ये जो कस्टर्ड पाउडर है इसको हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, स्पून को हिलाते जाएंगे ताकि इनकी गांठें ना बने, लम्स ना आए इसमें। तो इस तरह से डालकर जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए हम इसको पकाएंगे। ये देखिए थिक होना शुरू हो गया। बस फ्लेम को हम कर देंगे जल्द से ऑफ और इसको हम पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे, फिर उसके बाद इस पुडिंग को मैनेज करेंगे। ये देखिए जो हमने कस्टर्ड बनाया था कितना थिक हो गया है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा थिक ही बनाया था। तो अच्छे से स्पून चलाकर इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ कर लिया, बस अब हम करेंगे इसकी लेयरिंग। पहले मैं यूं कस्टर्ड डालूंगी इसके ऊपर। जिस भी हमने गिलास में या पुडिंग मग में इसको मैनेज करना है इस तरह से डाल लेंगे। थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से इक्वली आ जाए। ये है मेरे पास एलमंड्स हैं, यानी बादाम। ड्राई फ्रूट आप रखना चाहें तो रखिए, ना रखना चाहें तो भी बढ़िया लगता है। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट में पसंद हो आप वो इस पे यूँ रख दीजिए। और अब ये देखिए, ये मेरे पास गुलाब जामुन हैं घर ही के बने हुए। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, छोटे छोटे बनाए हैं मैंने और इनको यूँ सेंटर में से कट किया है। अब इन गुलाब जामुन को हम सेट करेंगे, इसकी पूरी लेयर करेंगे। अच्छे से नट्स डाल देंगे, पूरी लेयर नट्स की कर देंगे ताकि बढ़िया से क्रंच आए। अब फिर से हम कस्टर्ड डालेंगे। ये गुलाब जामुन मैनेज कर देंगे। पुडिंग है और कमेंट्स में भी बनाकर ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको आज की ये डिफरेंट सी इजी सी पुडिंग की रेसिपी मेरी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।